सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आप देख रहे हैं गीता जोशी लाइफस्टाइल। आज बच्चों की डिमांड पर मैं पहाड़ी लंच बनाने वाली हूँ। पहाड़ी लंच में मटकी चुड़कानी, भात, हरी सब्जी, लाई की सब्जी और भांग की चटनी बनाने वाली हूँ। और आप भी देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहाड़ी लंच, पहाड़ी थाली में। पहाड़ी लंच बनाने के लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले मैं भात बनाऊंगी, उसके बाद भटकी चुड़कानी, हरी सब्जी और भांग की चटनी। चलिए आप भी देखिए आगे क्या होता है, कैसे मैं बना। भटकी चुड़कानी बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें तेल डाला है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब इसमें मैं भट भूनने के लिए डाल देती हूँ। भून चुके हैं, अब मैंने इसमें आटा डाल दिया है। थोड़ा आटे को भून लेती हूँ बिस्वार के लिए। बिस्वार डालने से भटकी चुड़कानी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। आटा भी ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन, जीरा, धनिया, हल्दी, पूरा मैंने पेस्ट पहले से तैयार कर दिया था वो डाल रही हूँ। अब मैंने भटकी चुड़कानी में ये पानी डाल दिया है, नमक मिर्च मसाला सब डाल दिया है इसमें मैंने, और इसको आधे घंटे तक पकने दूंगी। चुड़कानी पकने तक मैं हरी सब्जी बना रही हूँ, जो इसको चढ़ा देती हूँ दूसरे चूल्हे में। लाई की सब्जी मैंने पहले से धो के काट के रखी हुई है, बस अब मैं इसको चढ़ा देती हूँ। लाई की सब्जी चढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, अभी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। मिर्ची भी भुन गई है, अभी मैंने लाई की सब्जी में नमक मिला दिया है। अब इसको थोड़ी देर चला लेती हूँ ऐसे, और उसके बाद ढक्कन लगा के हल्की आंच में पकने के लिए रख दूंगी। भटकी चुड़कानी भी बन गई है, हरी सब्जी भी बन गई है, लाई की सब्जी। अब मैं बना रही हूँ भांग की चटनी। भांग की चटनी बनाने के लिए मैं सबसे पहले भांग को भूनूंगी, उसके बाद उसमें पुदीना मिला के चटनी पीसूंगी। ये है भांग के दाने और ये है पुदीना। भांग के दाने भी भुन गए हैं, ये चट चट की आवाज आने लगी है। पहाड़ी चटनी भी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं खट्टे के लिए नींबू निचोड़ रही हूँ और थोड़ा सा चीनी भी डाल रही हूँ। ये तैयार है पहाड़ी थाली, पहाड़ी लंच। ये मेरी पहाड़ी थाली तैयार हो चुकी है, पहाड़ी लंच। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और उनसे पूछूंगी कि खाना कैसा बना है। कैसा बना है खाना? मजा आ गया भाई, पहाड़ी खाना अच्छा, बहुत टेस्टी हो रहा है। अब मैं पूर्णिमा से पूछूंगी, पूर्णिमा खाना कैसा बना है? बहुत टेस्टी हो रहा है पहाड़ी खाना। अच्छा लगता है, सब्जी बहुत टेस्टी है। अच्छा, और चटनी, चटनी भी बहुत अच्छी है, दाल भी चटनी सब बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों ने देखा कि पहाड़ी खाना बच्चों ने कितना ज्यादा पसंद किया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पहला